हमारे जो प्रत्याशी है उसके साथ धक्का मुक्की अंदर करने का काम, पर 2 से 2500 का डिफरेंस रह रहा है, वहाँ एक्सेप्ट किया और यहाँ पर 1000 वोट का डिफरेंस रह रहा है और यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया। इतनी भीड़ क्यों घुसी, सारे पदाधिकारी क्यों घुसे? राजस्थान के उपचुनाव में सबसे करीबी मुकाबले वाले सलुम्बर में क्या एक बार फिर से रिकाउंटिंग की जाएगी? जी हाँ, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं, जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े नेता राजकुमार रोत रिकाउंटिंग के लिए न केवल मांग कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी दौसा में 2300 वोटों से हारती है, वहां पर रिकाउंटिंग करवा ली जाती है, मगर सलुम्बर में जहां मात्र 1200-1300 वोटों का फर्क रहा, वहां रिकाउंटिंग की अपील खारिज कर ली जाती है। ये अपने आप में एक बड़ा आरोप है। हालांकि वो उसमें यह भी कहते हैं कि हम कानून की प्रक्रिया का सहारा लेंगे और रिकाउंटिंग कराएंगे, और ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कल चुनाव की मतगणनाओं के दौर में 22 में से 21 राउंड तक भारत आदिवासी पार्टी आगे रहती है और आखिरी दौर में, आखिरी राउंड में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, शांता देवी मीणा वहां से विधायक बन जाती है, जितेश कुमार कटारा जो कि बीएपी के प्रत्याशी थे वो हार जाते हैं, तो उसके बाद से लगातार ये प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर क्या इसमें कुछ दुरुपयोग हुआ है, क्या किसी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, या फिर एक जो महत्वपूर्ण आरोप कि जहां रिकाउंटिंग का हमारे पास विकल्प था, हमने रिकाउंटिंग के लिए आग्रह किया मगर उसे ठुकरा दिया गया, तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय निकल कर आ रहा है। और उस बड़े विषय में राजकुमार रोत जब एक बयान जारी करते हैं तो बड़ी ही बारीकी के साथ ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि दौसा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार गए, वहां पर 2300 वोटों का फर्क था, मगर रिकाउंटिंग की अपील बड़े ही आसानी के साथ स्वीकार कर ली जाती है, रिकाउंटिंग होती है, भाजपा हार जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में सलुम्बर में जहां मत अंतर इससे भी कम था, वहां पर हमारी ये अपील क्यों नहीं मानी गई? जहां हमारा प्रत्याशी रिकाउंटिंग का आग्रह कर रहा था, वहां बड़ी संख्या में लोग चले जाते हैं और गहमा गहमी के उस माहौल में जीत का जो सर्टिफिकेट है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया जाता है। हालांकि उसके बाद जितेश कुमार कटारा के आंसू भी देखे जाते हैं, सलुम्बर में भारतीय जनता पार्टी के पटाखे फूटते भी नजर आते हैं, मगर इस तमाम प्रक्रियाओं के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न राजकुमार रोत उठाते दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा है, हालांकि वो तो आंकड़े अपडेट ना करने के आरोप भी लगा रहे हैं, अगर ये ऐसा भी हुआ है तो आंकड़े अपडेट ना करना, आखिरी दौर तक जो चीज़ें चल रही थी उसके बाद रिकाउंटिंग की अपील को अस्वीकार कर देना, इन तमाम आरोपों के साथ राजकुमार रोत बड़े स्पष्ट तौर पर यह भी कहते दिखाई देते हैं कि अगर यहाँ पर हमारी नहीं सुनी गई तो हम कानून का सहारा लेंगे, हम कोर्ट के माध्यम से रिकाउंटिंग करवाएंगे, मगर सलुम्बर के इस परिणाम को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ आपको यह बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि सलुम्बर इन 7 में से एकमात्र ऐसी सीट थी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2023 में विजयी हुई थी। उनके विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहे थे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न था और उस प्रतिष्ठा की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी एक मुश्किल चुनाव में फंसी दिखाई देती है, जहां पिछली बार अंतर 13 से 14 हज़ार का था, इस बार वो 1200-1300 पर आकर सिमट जाता है और वो भी 22 दौर की चुनाव की मतगणना के बीच 21 दौर तक प्रत्याशी जितेश कुमार कटारा बीएपी वो आगे रहते हैं, 22वें और आखिरी दौर में उलटफेर होता है, शांता देवी मीणा भारतीय जनता पार्टी से जीत जाती है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम चला, उस घटनाक्रम को लेकर अब राजकुमार रोत बहुत गंभीर प्रवृत्ति के आरोप यहाँ भारतीय जनता पार्टी और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर लगाते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो उनका बहुत स्पष्ट तौर पर जो आरोप लगाया गया कि दौसा में रिकाउंटिंग हो सकती है तो फिर सलुम्बर में क्यों नहीं, ये पूरा आरोप लगते लगते अब स्थितियां आगे क्या होती है, कोर्ट कचहरी के माध्यम से क्या होती है, मगर बड़ी संख्या में लोग कमेंट के माध्यम से भी रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ कुछ घटनाक्रम पुनः एक बार राजनीतिक रूप से उफान पर आता दिखाई देता है या धीरे धीरे चीजें शांत हो जाती है। हमारी भी नजर हर एक अपडेट पर बनी रहेगी और हमारे जो प्रत्याशी है उसके साथ धक्का मुक्की अंदर करने का काम, अब रिकॉर्डिंग जो उस दौरान रिकॉर्डिंग की गई देख सकते हैं कि उस रूम में कितने लोग भीड़, इतनी भीड़ कैसे गई अंदर, ये एक संशय का विषय है। अगर वो गलत नहीं होते तो रिकाउंटिंग का जो ऑप्शन दिया था तो रिकाउंटिंग कराते। आज दौसा के अंदर बीजेपी हार रही है, वहां पर रिकाउंटिंग एक्सेप्ट किया, वहां पर 2 से 2500 का डिफरेंस रह रहा है, वहां एक्सेप्ट किया और यहां पर 1000 वोट का डिफरेंस रह रहा है और यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया। अगर गलत नहीं होते, अगर गड़बड़ियां नहीं की होती तो रिकाउंटिंग एक्सेप्ट कर लेते। हमारे जो गणक बैठे थे, हमारे जो प्रत्याशी थे, उनका कहना है कि लास्ट 1-2 राउंड के अंदर जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका जो वोट था उस वोट को कैसे बीजेपी का जो उम्मीदवार था उसमें जोड़ने का काम किया कुछ कुछ हिस्सों में, और इससे वो एक तरफा
मतलब लास्ट वाला जो राउंड था उसमें गड़बड़ी किया गया दो से तीन राउंडों में। तो मीडिया के साथियों ने भी जिस तरह से वहां देखना चाहिए कि कितने लोग अंदर घुसे बीजेपी के एक साथ, उन्होंने क्या किया, इतनी भीड़ क्यों घुसी, सारे पदाधिकारी क्यों घुसे, रिकाउंटिंग अप्लाई किया था, अप्लाई एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं मतलब क्लियर होता है कि गड़बड़ी हुआ है। जुड़े रहे आसमान एक्सप्रेस से, धन्यवाद।